श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल वो मथुरा के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है। नृत्य गोपाल दास हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मथुरा आते हैं। मथुरा यात्रा के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में महंत नृत्य गोपाल दास पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से आधिकारिक बयान में बताया गया है कि महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलने के बाद गोपाल दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम योगी ने डीएम मथुरा और मेदांता के डॉक्टर त्रेहन से बात की और अस्पताल में उनके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने का अनुरोध किया। मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा ने बताया कि महाराज जी को कुछ फीवर था, तत्काल डॉक्टरों की टीम यहां भेजी गई है। उन लोगों ने छानबीन की, दवाइयां भी दी। फीवर नॉर्मल है और इस वक्त सांस लेने में हल्की समस्या है। ऑक्सीजन लेवल भी सैचुरेटेड है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। कोरोना टेस्ट कराया गया है जिसमें पॉजिटिविटी की बात सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षण खबर ले रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप और इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। बता दें कि बुधवार रात्रि 12 बजे महंत नृत्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मस्थान में ठाकुर जी के अभिषेक के समय भी बैठे थे। उनके शिष्य ने ही अभिषेक की परंपरा का निर्वहन किया था। पिछले दिनों ही अयोध्या में रामलला के 2 पुजारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हालांकि राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोरोना को लेकर सारे इंतजाम किए गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।